सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्निकल हंस को और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट और अपडेटेड न्यूज जानने के लिए। तो हम सबसे पहले दिखा देते हैं रिक्वायरमेंट का, जिस बोर्ड से रिक्वायरमेंट निकल रहा है उसका नाम। तो पोस्ट ऑफिस से ये रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। तो बात करते हैं किस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकला है पोस्ट ऑफिस में। तो आपको यहाँ मिल जाएगा ग्रामीण डाक सेवक के पदों पे ये रिक्वायरमेंट या भर्ती निकली है। तो GDS के लिए यहाँ वैकेंसी निकली हुई है, GDS के लिए यहाँ वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद में हम दिखा देते हैं आपको कुल कितने पदों पे रिक्वायरमेंट होने जा रहा है, कितने पदों पर भर्ती निकली है। तो 2286 पदों पर आपको यहाँ रिक्वायरमेंट देखने को मिल जाएगी। 2286 पदों पे रिक्वायरमेंट है और सामान्य कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उसको यहाँ कितने पद मिल रहे हैं, तो 1221 वैकेंसी आपको यहाँ मिल रही है सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। बात कर लेते हैं OBC के, तो OBC में जो भी कैंडिडेट आते हैं उनको मिल जाती है 556 पोस्ट। और SC ST के लिए यहाँ मिल रही है क्रमशः SC को 242, ST को 187 वैकेंसी मिल रही है। तो टोटल यहाँ आपको वैकेंसी मिल रही है 2286 टोटल वैकेंसी मिल रही है। बात कर लेते हैं आयु सीमा की, तो आपकी आयु सीमा होनी चाहिए 18 से लेकर 40 ईयर्स। और जो आरक्षित वर्ग है उनको इस भर्ती में नियमानुसार छूट दे दी जाएगी। बात करते हैं आवेदन शुल्क की, तो आपका जो इस भर्ती प्रक्रिया में कितना आवेदन शुल्क लगेगा, तो OBC और जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 100 रुपये और SC ST के लिए यहाँ नील रखा गया है, तो आपको किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा इस रिक्वायरमेंट के लिए। बात करते हैं योग्यता, तो आपकी क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए 10वीं पास प्लस कंप्यूटर ज्ञान। आपका 10वीं पास और इसी के साथ कंप्यूटर का जो ज्ञान है वो होना अनिवार्य हो जाएगा। इसके बाद में आपका चयन किस प्रकार होगा, तो चयन आपकी बेसिक मेरिट बनेगी, इसकी जो बेसिक मेरिट बनेगी और उसके आधार पे आपको BPM की पोस्ट पे यहाँ सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो GDS के लिए अच्छी जॉब निकली हुई है और नौकरी का स्थान हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यदि आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप अन्य राज्य से बिलोंग करते हो तो आपको जल्द ही आपके राज्य की गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी नेक्स्ट मंथ में। तो आप आंध्र प्रदेश से हो तो अप्लाई कर सकते हो, वरना इस वीडियो को यहीं बंद कर सकते हो। आवेदन किस प्रकार करना है, तो आप आवेदन देख सकते हैं यहाँ, जो मैं वेबसाइट दिखाने जा रहा हूँ उस पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है ये मित्रों, indianpostoffice.government.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अंतिम तिथि है 24 मई, से पहले पहले आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। 24 मई 2018 तक आप रात्रि 12 बजे तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। इसका जो लिंक है PDF का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उस PDF से। तो ये मित्रों ये निकल के आ रहा था गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन GDS का पोस्ट ऑफिस से। यदि आपके अच्छे परसेंटेज हैं 10वीं में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।